झारखंड में जमशेदपुर पूर्वी सीट एक अलग ही रंग दिखला रही है। यहाँ की सियासत सेकेंडों में बदल रही है। कल तक खबरें आ रही थी कि सरयू राय इसी जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़ेंगे और इसी सीट से रघुवर दास भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब यह खबरें बदलती सियासत की नजरों से पूरी तरह बदल चुकी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में और आप देखना शुरू कर चुके हैं द पंचायत न्यूज की विशेष रिपोर्ट सियासी हलचल और मैं हूं आशीष। राजनीति में कौन सा पासा कब किसकी ओर घूम जाए, इसका अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल। यही हाल जमशेदपुर का हो गया है। जमशेदपुर लोकसभा सीट के अंदर 6 विधानसभा सीट आती है, जिसमें जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी, घाटशिला, भरागोड़ा, जुगसलाई और पोटका शामिल है। इनमें जमशेदपुर पूर्वी सीट झारखंड के लिए काफी महत्वपूर्ण सीट। पिछले विधानसभा चुनाव में राज्यभर की हॉट सीट थी। कारण वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को उन्हीं के सरकार में के मंत्री रहे सरयू राय निर्दलीय प्रत्याशी बनकर हराया था। फिलहाल इस विधानसभा सीट से सरयू राय निर्दलीय विधायक हैं। हालांकि वो हाल में ही जेडीयू में शामिल हो चुके हैं। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन फिलहाल वह झारखंड के राजनीति से दूर ओडिशा में राज्यपाल के संवैधानिक पद की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। पहले यह संभावना जताई जा रही थी कि चुनाव निकट आने के बाद रघुवर दास झारखंड की राजनीति में वापस लौट सकते हैं, लेकिन हाल ही में असम के मुख्यमंत्री और झारखंड में भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिश्व शर्मा का एक बयान है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया कि रघुवर दास की अभी झारखंड के राजनीति में वापसी नहीं होगी। दूसरी तरफ राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि रघुवर दास अपने राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि इस बार के चुनाव में रघुवर दास अपने पुरानी सीट से अपने बेटे या बहू को चुनावी मैदान में उतारेंगे। इस बात को सुनने के बाद आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा होगा कि सरयू राय तो जेडीयू में शामिल हो गए हैं और इस बार एनडीए गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने वाली, तो रघुवर दास जब अपने बेटे या बहू को इस सीट से चुनाव लड़ाएंगे तो फिर सरयू राय कहां से चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में भाजपा के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, सरयू राय और रघुवर दास दोनों को खुश करने का। सरयू राय को जमशेदपुर पूर्वी के जगह जमशेदपुर पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार करवाया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी सीट से भी चुनाव जीत चुके हैं। इस तरह से रघुवर दास और सरयू राय दोनों को संतुष्ट किया जा सकता है और रघुवर दास को जमशेदपुर पूर्वी सीट देने का पीछे का तर्क है कि रघुवर दास ने सबसे अधिक 5 बार इस सीट से जीत हासिल की है। जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा सीट सबसे ज्यादा भाजपा के कब्जे में रहा है। रघुवर दास 1995 में पहली बार भाजपा की टिकट पर विधायक बने और 5 बार लगातार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने 1995, 2000, 2005, 2009 और 2014 में जीत हासिल की। साल 2004 में रघुवर दास शहरी विकास मंत्री भी रहे, बाद की सरकार में मंत्री भी बने। 2014 के विधानसभा चुनाव में रघुवर दास ने 103,418 वोट से जीत दर्ज की थी। 2014 में इस सीट को जीतने के बाद वह राज्य के मुख्यमंत्री बने और यही नहीं, रघुवर दास राज्य के ऐसे पहले मुख्यमंत्री बने कि राज्य की कोई सरकार 5 सालों तक चल पाई। इन तथ्यों को भी ध्यान में रखते हुए भाजपा फिर से रघुवर दास पर भरोसा जता सकती है, लेकिन यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या सरयू राय जमशेदपुर पश्चिमी सीट से चुनाव लड़ने पर सहमति जताएंगे या फिर कुछ अलग ही खेला करेंगे। इसे लेकर आप क्या सोचते हैं, यह हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और यह वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबों को झारखंडी जोहार।